नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। नहीं 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 सारुण। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है जो बंदा शिपिंग लाइन में है, जो बंदा मर्चेंट नेवी में है, शिप पे जॉब करता है, अगर वो ऑयल रिग में ज्वाइन करना चाहे, शिप से ऑयल रिग पे जाना चाहे, तो वो कैसे जा सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या उसको जॉब मिलेगा ऑयल रिग में या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कैसे मिलेगा? शिप की सैलरी जो होती है, क्या ऑयल रिग की सैलरी सेम होती है या कितना होती है? आज का टॉपिक उसके लिए है। तो जो बंदा ऑयल रिग में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, वो बंदा पूरा ये वीडियो देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ऑयल रिग का जो वर्क होता है उस पर, वो शिपिंग लाइन से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डेंजरस होता है, डेंजर काम उस पर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी वजह से अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम आपको कोई कंपनी लेगा नहीं फ्रेशर। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, उधर ऑयल रिग पे कोई लेता नहीं है, उसके लिए आपको जो भी कंपनी में, जो भी शिप पे आप काम कर रहे हो, उसमें कम से कम 3-4 सेल का एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। कम से कम 3-4 सेल का एक्सपीरियंस बनाओ। आप ऑयल रिग पे एवी में ज्वाइन कर सकते हो, ऑयलर में ज्वाइन कर सकते हो, ओएस में ज्वाइन कर सकते हो, वाइपर में ज्वाइन कर सकते हो, बट फ्रेशर को नहीं लेता है। पहले आप एक्सपीरियंस बनाओ एज एवी या एज ऑयलर, जो भी आपका रैंक है उस पर 1-2 सेल मारो, एक्सपीरियंस बनाओ। उसके बाद जो भी कंपनी है, जैसे कि ONGC है, इंडिया की टॉप कंपनी है, ओल्डेस्ट कंपनी है, ONGC है, उसमें ट्राई आप कर सकते हो। जिंदल है, उसमें ट्राई कर सकते हो। 2-3 और कंपनियां हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 5-6 कंपनियों का नाम, जो टॉप की कंपनियाँ हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, तो आप देख लेना वहाँ से। और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, पहले तो आप एबी आइलर पे एक्सपीरियंस बना लो। उसके बाद फ्रेंड, उस पर मैं आपका काम बता दूं कि आप एज ए बी यार एज ऑयलर ज्वाइन करते हो तो आपका काम क्या रहेगा। तो फ्रेंड, आपका जो काम शिप पे होता है, जैसे आप ए बी हो तो आपका वॉच होता है, एंकर को देखभाल करना होता है, आपका चिपिंग होता है, पेंटिंग होता है, साउंडिंग लेना आपका काम होता है, तो यही सेम काम आपको रिग पे भी करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको दूसरा काम करना होगा, जैसे वहाँ क्रेन ऑपरेटर होते हैं, मड इंजीनियर होते हैं, मड ऑपरेटर होते हैं, बार्ज ऑपरेटर होते हैं, तो वो सब काम आपको नहीं करना होगा। वो सब काम के लिए वो बंदे अलग से कोर्स करके आते हैं, वो अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। आपको नॉर्मल वही काम करना है जो आप शिप पे करते आ रहे हो। पता नहीं, जैसे आप ऑयलर हो तो ऑयलर में आप इंजन का ओवरहॉलिंग करते हो ना, साउंडिंग वाउंडिंग लेते हो ना ऑयल का, वही सब आपको वहाँ भी करना है। एज इंजीनियर आपको मशीनरी का देखभाल करना है। मजा नहीं आ रहा है। नहीं है कि आपको मड ऑपरेटर वाला काम करना होगा या क्रेन ऑपरेटिंग वाला, ये सब आपको काम नहीं है। आपका जो नॉर्मल शिप पे वर्क है, वही काम आप वहाँ भी करोगे। आपको मैं बता दूं ऑयल रिग की बेसिक सैलरी, तो अगर आप जिस भी कंपनी में या जिस भी शिप पे काम कर रहे हो, अगर मान लो आप $2500 आपकी सैलरी है एज ए बी आर एज ऑयलर में, तो वहाँ आपको $4000 $4500 आराम से मिल जाए। अगर कोई बंदा कैप्टन है या चीफ इंजीनियर है, उसने 4-5 साल का एक्सपीरियंस बनाया है, 4-5 साल का सेलिंग मारा है एज ए कैप्टन में, तो उसका सैलरी कम से कम आपको बता दे 15,000 से 25,000 यूरोज में बनता है। डॉलर में उसका यूरोज में मिलता है, यूरोज का 72-73 रुपये रेट चलता है अभी, शायद इतना ही होगा। आप देख सकते हो उसका सैलरी इतना हाई रहता है। क्रू रैंक में भी जो ज्वाइन करता है, उसका सैलरी शिप के मुकाबले वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम थोड़ा टफ रहता है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से उधर सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और बहुत सारे बंदे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, ऑयल रिग वर्सेस मर्चेंट नेवी वर्सेस ऑयल रिग, शिप वर्सेस ऑयल रिग। तो भाई मैं आपको बता दूं, शिप पे लाइफ अलग है, ऑयल रिग पे लाइफ अलग है। शिप पे आप जो काम करते हो, उसमें आपको थोड़ा घूमने का भी मौका मिलता है, ट्रैवलिंग का मौका मिलता है, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री घूमते रहते हो। लेकिन ऑयल रिग समुद्र में बना एक प्लेटफॉर्म होता है, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहता है, आपको सिर्फ वहीं पे रह के काम करना पड़ता है। हाँ, आपको बता दें, जैसा आपको शिप पे खाने का रहने का मिलता है, उससे ज़्यादा अच्छा आपको रिग पे मिल जाएगा फैसिलिटी रहने का खाने का। आपको मिक्स्ड क्रू मिलेंगे, किसी अदर कंट्री के सारे क्रू उस पे रहेंगे, कुछ इंडियन रहेंगे, बांग्लादेशी रहेंगे, पाकिस्तानी रहेंगे, फिलिपिनो रहेंगे, ऐसे मतलब मिक्स क्रू उस पे ज़्यादा रहते हैं ऑयल रिग पे।
इंडिया में जो रिंग है उस पर थोड़ा कम सैलरी आपको बनेगा, क्योंकि इंडिया में आपको रुपीज में पैसे मिलेंगे, बट अगर आप बाहर साइड के रिंग पे जाते हो, जैसे दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब के साइड में रिंग पे आप जाते हो तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। तो पहले आप ट्राई करो कि एक दो एक्सपीरियंस बना लो इंडिया में रहते हुए एनजीसी में, क्योंकि आप किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, अपना एज ए बी ऑयलर एक्सपीरियंस के बाद खुद से ट्राई करो एनजीसी में, हो जाएगा। किसी एजेंट के चक्कर में मत जाना भाई, सैलरी कम मिलेगा उसको मत देखो, पहले एक दो एक्सपीरियंस बना लो, उसके बाद ट्राई करो फॉरेन के रिग के लिए, आपका दुबई साइड में या कतर साइड में हो जाएगा। उधर एक दो एक्सपीरियंस बनाओ, फिर आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के रिग पे आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आपकी सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। उधर का मैं आपको बता दूं, जैसे सिपका आपका रहता है कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम सिक्स मंथ ऑन वन मंथ आप ऐसे करके, या 9 मंथ रहता है मैक्सिमम, रिग पे रहता है 3 मंथ का मिनिमम और 4 to 6 मंथ का मैक्सिमम रहता है। जो बंदा करना चाहता है वो कर सकता है, मिनिमम 3 मंथ का रहता है। आप 3 मंथ उधर रहोगे, फिर 2 मंथ के लिए या 1 मंथ के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लीव मिलेगा, फिर 2 मंथ बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो उसके लिए आपको ये सब सिस्टम है, और जो कोर्स का है, कोर्स में बता दूं आपका STCW कोर्स पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो रिग का एक अलग से कोर्स आता है, बेसिक ऑफशोर सेफ्टी कोर्स होता है, वो अलग से इसका कोर्स आता है, उसको भी आप कर सकते हो। कोई कोई कंपनियां उस कोर्स को मांगती हैं, नहीं तो ज़्यादातर कंपनियों में STCW कोर्स पे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही था, जो रिग ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, पहले एक्सपीरियंस बना लो, एक्सपीरियंस बना के आप ज्वाइन कर सकते हो। और भाई रिग का भी जॉब अच्छा है और सिप का भी जॉब अच्छा है, दोनों लाइफ अलग अलग है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट एज अगर आपको पैसे कमाने हैं, कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो आप रिग पे ज्वाइन कर सकते हो, आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो आज का वीडियो फ्रेंड यहीं तक था, तब तक के लिए और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय हिंद।